जाओ मॉल में। और ये जो आउटलेट है वो रायपुर में अभी नया नया खुला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं फूड ट्राई करने के लिए। तभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की है, अभी जैसे ही फूड आएगा मैं आप लोगों को उसका रिव्यू दूंगी। वैसे हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे पापा का बर्थडे है, इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। सो दोस्तों, जब तक फूड नहीं आ जाता है तब तक मैं आपको थोड़ा सा मैग्नेटो मॉल के अंदर हल्दीराम जाने का रास्ता दिखा देती हूँ। वैसे आज है संडे का दिन और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 बजे, इसलिए मैग्नेटो मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। और यह है मेरे मम्मी पापा जो कि हल्दीराम की तरफ जाते हुए आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे होंगे। संडे वाले दिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। मैं भी यहाँ पे जनरली शॉपिंग करने के लिए ही आती हूँ। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे खाने पीने के लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे आउटलेट्स हैं, तो कौन नहीं यहाँ पे आना पसंद करेगा। आपको यहाँ पे वेज से लेकर नॉन वेज तक बहुत सारी चीज़ें खाने पीने में देखने को मिल जाएंगी। सो चलते चलते फिर हम लोग पहुँच गए हल्दीराम के आउटलेट में। देख लीजिए यहाँ पे बोर्ड है, इसमें लिखा भी हुआ है कि रायपुर का पहला हल्दीराम यहाँ पे मैग्नेटो में खुला हुआ है दोस्तों। और ये है वेस्ट साइड के ट्रेंडी ट्रेंडी कपड़े जो कि ट्रांसपेरेंट मिरर से नज़र आ रहे हैं। सो दोस्तों देख लीजिए, ये है हल्दीराम का फ्रंट व्यू, कुछ ऐसा दिखता है। अब मैं जाऊंगी अंदर और आपको दिखाती हूँ कि अंदर का कैसा इंटीरियर है और खाने पीने का क्या ऑप्शन है। लेकिन उससे पहले ही मुझे यहाँ पे बोर्ड में नज़र पड़ गई, यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। खाते रहो रायपुर लिखा है दोस्तों। अब चलते हैं अंदर जल्दी से। सो दोस्तों, जैसे ही मैं अंदर गई मुझे सबसे पहले हल्दीराम के प्रोडक्ट्स नज़र आए। तो अगर आप खाने पीने के लिए आते हैं तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स घर भी लेके जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मिठाई है, पेस्ट्रीज है, देख लीजिए बहुत ही यमी दिख रहा है पेस्ट्री वगैरह। दोस्तों आज है संडे का दिन और ये हल्दीराम यहाँ पे अभी नया नया खुला है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी दोस्तों। और कुछ लोग तो बाहर इंतज़ार भी कर रहे हैं खाली होने का। और ये है मेन्यू कार्ड, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको रेट वगैरह जानना है कि कैसा है। सो दोस्तों, मेरे को यहाँ पे बहुत तेज भूख लग रही है और अभी ऑर्डर दिया ही है, थोड़ी देर बाद ऑर्डर आने ही वाला है, बहुत इंतजार कर रहे क्यों पापा। सो 30 नंबर हमारा नंबर है दोस्तों, इसी को देख के ही हमारे टेबल पर फूड पहुंच जाएगा जो हमने ऑर्डर किया था। और सबसे पहले आया चाउमीन। चाउमीन वैसे दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा था दोस्तों, और उन्होंने प्लेट नहीं दिया था, तो फिर हमने कहा कि हमको प्लेट चाहिए, तो उन्होंने फिर 3 प्लेट्स ला के दिए हमें। उसके तुरंत बाद ही हमारा सांभर बड़ा आ गया था दोस्तों, इसमें आपको 2 बड़े सांभर और नारियल की चटनी, साथ ही साथ मीठी टमाटर की थोड़ी सी चटनी मिल जाएगी दोस्तों। फिर उसके बाद हमने एक डोसा भी ऑर्डर किया था जिसमें चटनी सेम थी, नारियल की चटनी, सांभर और मीठी टमाटर की चटनी, साथ में ये डोसा। सो दोस्तों, सबसे पहले मैंने ट्राई किया चाउमीन। वैसे चाउमीन का टेस्ट मुझे अच्छा लगा, सारे जो सॉसेस थे वो परफेक्ट डले हुए थे दोस्तों। लेकिन पता नहीं क्यों दोस्तों, सारी चीज़ें ठंडी थी, चाउमीन ठंडा था, सांभर भी ठंडा था और बड़े वगैरह भी ठंडे थे, गर्म होता तो उस खाने में ज़्यादा मज़ा आता। सो दोस्तों, जो सांभर और बड़े का टेस्ट था वो मुझे ठीक ठाक लगा। उसके अलावा जो नारियल की चटनी थी वो मुझे अच्छी लगी, और उन्होंने जो मीठी चटनी दी थी चटपटी सी, वो मुझे पसंद आई। अब आती है बारी छोले भटूरे की। छोले भटूरे में आपको 2 बड़े भटूरे मिलेंगे, 1 कटोरी छोले मिलेगा दोस्तों। ये जो छोले है वो दिल्ली स्टाइल का है, इसी टाइप का दिल्ली में मिलता है, आप कभी गए होंगे तो जानते होंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको 1 पीस आलू मिलेगा, पता नहीं उन्होंने 1 पीस मसाला आलू क्यों दिया है। 2 मिर्ची और थोड़े से प्याज मिल जाएंगे दोस्तों।
लेकिन दोस्तों ये भी छोले भटूरे ठंडा था, पता नहीं ये क्यों ठंडा है, और ठंडी चीज़ें उतनी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, और वैसे भी छोले भटूरे भी मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ये भी मुझे ठीक ठाक ही लगा। सो दोस्तों लास्ट आइटम हम लोग मंगाए थे कुलचे और छोले। छोले और बाकी सारे जो स्टफ थे वो सेम टू सेम थे, बस भटूरे की जगह उन्होंने कुलचा दिया था, और वो तो मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरा पेट भर गया था, वो मेरे भाई ने ट्राई किया था। बाकी तो सेम ही था, छोले इसमें भी था, छोले उसमें भी था, तो ट्राई करना तो उतना ज़्यादा बनता नहीं है। सो ये था मेरा फूड ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा हल्दीराम में। अगर आप रायपुर में रहते हैं तो एक बार आके यहाँ पे ट्राई ज़रूर करिएगा, नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए लोगों को। तो अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो उसके बाद यहाँ पे कुछ गेम्स वगैरह हो रहा था, तो उसी में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये हाथी के अंदर में इस रिंग्स को डालना था, उसके बाद थोड़ा मस्ती वगैरह किए, यहाँ पे सेल्फी वगैरह लिए। ये न्यू सेल्फी पॉइंट यहाँ पे बना हुआ था दोस्तों अभी रेनी सीज़न के हिसाब से, तो हमने अच्छी अच्छी सेल्फियाँ ली। उसके बाद हम लोग घर की ओर चले।